उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में बीजेपी नेता द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी की घटना सामने आई है। बीजेपी नेता ने शहर के बीचों बीच मेगादूत पुलिया पर बाइक में टक्कर लगने का विरोध करने पर दरोगा के बेटे और पुत्र वधू के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि पति के साथ बाइक सवार महिला के कपड़े भी फाड़ डाले। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दंपत्ति ने शोर मचाकर गाड़ी को रुकवा दिया और महिला बीजेपी नेता की गाड़ी के आगे लेट गई। क्या हुआ आपके साथ और आपकी पत्नी? मैं अपनी वाइफ के साथ पीएल समर रोड पर डॉक्टर समीरा मंडारी है उनके पास जा रहा था। उनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हुई थी कि मैम तो टाइम ना निकल जाए इसलिए आप रुक जाइए थोड़ी देर। हम जा रहे थे मेघदूत चौराहे पे थे, उस टाइम पे जैसे मैंने गाड़ी क्रॉस करनी चाही बाइक, इन्होंने टक्कर मार दी मेरी बाइक पे और उतरते के साथ ही इसने मेरी बाइक के हेडलाइट वाइट तोड़नी शुरू कर दी इंडिकेटर और मारपीट शुरू कर दी। मेरी वाइफ बीच में आई बचाव करने के लिए तो इन लोगों ने कपड़े फाड़ दिए मेरी वाइफ के और मेरे नाखून वाखून भी लगे हैं, मेरी वाइफ के कपड़े भी फाड़ दिए। ऊपर से धमकी और दे रहे हैं हम लोगों को कि इनकी क्योंकि इनकी गाड़ी पे भाजपा का टैग लगा हुआ है, नेता वेता है मुझे नहीं पता कहाँ के, धमकी दे रहे हैं कि तू ये तो देख लेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मुझे नहीं पता किस चीज़ की वो निकाल रहे हैं मगर हमारी कोई गलती नहीं थी, हम सही डायरेक्शन पे थे सही जा रहे थे हम लोग। इन्हें वही है कि पार्टी के हैं रूलिंग पार्टी के तो इस वजह से ज़्यादा वो निकाल रहे हैं लोग। बदतमीजी करिए, मेरी पत्नी के कपड़े फाड़ दिए पूरे आगे से। जनता नहीं भाई जनता झूठ तो मत बोलो यार इन्होंने कपड़े फाड़े, इन्होंने अंकल कपड़े फाड़े। चलो जी मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो? चलो आप सच बोल रहे हो, आप सत्यवादी हरीश चंद हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठा हूँ। अच्छा उनसे बहन जी मुझे क्या बात हो आप पूछ लो तो चेहरे पे स्माइल नहीं होनी चाहिए ना चतुर्थी। तो आरती जी क्या हुआ आपके कपड़े किसने फाड़े? भैया हम दवाई लेने जा रहे थे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था, हम अपनी जगह पर ही खड़े थे, हमने कुछ भी नहीं करा, बस उस गाड़ी वाली इतनी जल्दी हो रही थी उसने बाइक पे टक्कर मारी और गाड़ी से उतरते ही मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट करने लगे बहुत बुरी तरह से। और जब मैं बचाने गई तो उनकी औरत कोई थी वो गाड़ी से उतर कर आई और मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए उसने और बहुत मारपीट कर रही, बदतमीजी करी मेरे साथ बहुत ज्यादा। और जब तो कोई भी नहीं आया और वो आदमी पे उतर के उसने मुझे धक्का दिया, बाइक पे लात मार रहा है, इनके बैग वैग हमारा सामान सब फेंक दिया। कपड़े केवल महिला ने फाड़े या आदमी? महिला ने भी फाड़े और आदमी भी बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ, मुझे धक्का दिया उस आदमी ने भी, कपड़े भी फाड़े आपने? हाँ जी। और वो जो बैठे हैं वहाँ पे उन्होंने बहुत बदतमीजी करी मेरे साथ भी और गंद ऐसे से कर रहे थे कि देख लेंगे और पता नहीं जैसे कहाँ के अधिकारी है, उनकी गाड़ी पे बीजेपी का टैग लगा हुआ था। और मैं चाहती हूँ जो भी हुआ सब इनको सजा मिले, इतनी बदतमीजी करी है और ये कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत करनी नहीं आती, कह रहे कपड़े फाड़े दिखाओ कपड़े फाड़े कहाँ फाड़े। एक तरफ तो बीजेपी का लोग नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऊपर से है बीजेपी के लोग ही। एग्जैक्टली कोई इज्जत नहीं है, सब बकवास है। भाजपा का नेता कौन है? भैया मुझे नहीं पता कौन है कहाँ का नेता है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, होगा जहाँ कभी किसी का भी नेता होगा भाजपा का। आज हम फाड़ देंगे बीजेपी के नेता।